हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और आज के इस वीडियो में हम 2007 की बात करने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। तो यहां से एक्सेल टाइप करता हूं और ये 2007 इंस्टॉल्ड है मेरे में, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर कुछ चीजें हमें सीखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर रोल नंबर दिया गया हो तो यहाँ पर रोल नंबर हमने लिखा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, स्टूडेंट्स का नेम आएगा, तो यहाँ पे कर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ये डेटा मैं कई बार लेता हूँ सिखाने के लिए, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब सब्जेक्ट वन कर दिया हमने और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पर इनेबल फिल हैंडल पहले देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट वन के बाद सब्जेक्ट टू आया, ये सीक्वेंस एक्सेल को पता चल गया, दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रैग करवा दिया, तो पांचों सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए, यानी 1, 2, 3, 4, 5। आप आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा सब्जेक्ट 1 है 2 है, क्योंकि लिख दिया गया है। और फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स करके फिर यहाँ पर आगे आएंगे तो एवरेज कर देते हैं, ए बी ई आर ए जी ई, तो यहाँ पे लिख दिया ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज हो गया। एवरेज के बाद आता है क्या आपका ग्रेड, तो यहाँ पे ग्रेड भी लेके आएंगे, यानी ये सारी चीजें एक ही बार में हम लेके आएंगे। अब यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पे 2 हमने दिया और यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके और नीचे ड्रैग करवा देंगे, तो इससे ये रहेगा कि ये इनेबल फिल हैंडल होने के चलते ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नेम हम फिल कर लेते हैं और ये रिसाइज कर लेते हैं इस तरीके से ड्रैग करके, और यहाँ पर नेम मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक नेम हो गया अवनी, दूसरा नाम हो गया सना, तीसरा नाम हो गया युवराज, चौथा नाम हो गया लोकेश, पांचवा नाम हो गया सुमित, ऐसे करके कुछ नेम हम एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। तो सारे नेम हमने एंटर करवा लिए हैं। अब यहाँ पर आकर के एक फंक्शन लगाते हैं रैंड बिटवीन का, इससे क्या होगा एक ही बार में नंबर आते चले जाएंगे। तो ये रैंड बिटवीन लिया, टैब प्रेस किया, सबसे छोटा नंबर 3 देंगे, सबसे ज्यादा नंबर 98 देंगे आउट ऑफ 100। अब एंटर कर देंगे तो एक नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब इसको ड्रैग करवा देंगे तो सबके नंबर आते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर दीजिएगा तो ये जल्दी से नंबर हमने हम लेके आ गए, ठीक है। अब पेस्ट स्पेशल पे जाके इसे वैल्यू बना दीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है तो हर बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स, तो देखिए टोटल मार्क्स भी छिपता हुआ नजर आ रहा है, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये भी रिसाइज हो जाएगा। अब इज इक्वल टू का निशान लगा करके यहाँ सम का फंक्शन लगाइएगा, सम जोड़ने के लिए यूज होता है यहाँ पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखिए C2 से लेके G2 तक का सेल एड्रेस आ गया है। अब इसको बंद करके और एंटर कर देना है, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आता हुआ दिखाई देगा और नीचे डबल क्लिक कर देंगे तो सबका आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए AVERAGE एवरेज का फंक्शन लगाएंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, जैसे ड्रैग करेंगे और बंद करेंगे इसको और एंटर करेंगे तो यहाँ पे एवरेज आता हुआ नजर आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबके एवरेज आ चुके हैं। अब यहाँ पे ग्रेड जो है एवरेज के ही बेस पे कैलकुलेट होगा, तो आप चाहे तो स्विच का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन आपको मिल जाता है स्विच, ठीक है। तो फिलहाल हम इफ का यूज करेंगे, तो यहाँ इफ लगाया हमने और इसको सेलेक्ट किया, यानी पहले वाले एवरेज को जिसका कि सेल एड्रेस I2, I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85, तो यहाँ पे कॉमा करके कर देते हैं A++ ग्रेड। अब ये A++ जो लिखा जाएगा ये डबलेटेड कॉमा में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, यानी ये नेस्टेड इफ की बात हो रही है, नेस्टेड फंक्शन लगाया जा रहा है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू इस बार 75, कॉमा ए ग्रेड, कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड, तो ये ए ग्रेड दे दिया। फिर कॉमा लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और फिर इसी को सेलेक्ट करना है, यानी आई टू को ही हर बार सेलेक्ट करना है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू इस बार कौन सा ग्रेड, 65 पे बी ग्रेड, ठीक है। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है ना ये ए ग्रेड के लिए कंडीशन दी गई है, यानी I2 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 85 से तो ऐसे में A++ आ जाए, लेकिन 85 से छोटी हो और 85 के नीचे हो और 75 के बराबर हो तो ए ग्रेड आ जाए, ऐसे ही करके ये कंडीशन दी गई है। कॉमा लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और इसी को सेलेक्ट करके इस ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे और इस बार कौन सा कहां तक का होगा, तो यहाँ पे देखिए 65 हम कर चुके हैं, 55 करके कॉमा लगाएंगे, डबलेटेड कॉमा में कौन सा ग्रेड देंगे, तो यहाँ पर अब हम दे देंगे सी ग्रेड, ठीक है। 55 तक हो, 55 से ज्यादा हो लेकिन 65 से कम हो तो ऐसे में सी ग्रेड, और लास्ट में यहाँ पर अब इसको सेलेक्ट करके इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लेकिन 65 से कम हो तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, डी ग्रेड आएगा। फिर कॉमा लगा करके लास्ट में दो कंडीशन होती है, तो लास्ट में अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो ऐसे में वो बच्चा क्या हो जाए, फेल्ड हो जाए। तो यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा तो ये देखिए ये फेल है,
और जिसकी जो कंडीशन बनेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बीच में कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए कर लीजिएगा और अल्ट एच बी ए करिएगा, जिससे कि यहाँ पे पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाए। अब हमें क्या करना है, अब इस डेटा में कहीं पर भी बीच में क्लिक करके पिवोट टेबल इंसर्ट कराना है और पिवोट टेबल की खासियत भी जानेंगे। तो यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए 2007 का पिवोट टेबल कुछ ऐसा नजर आता है। पिवोट टेबल पे क्लिक कीजिएगा। ये कह रहा है ना कि आप क्या सेम शीट पे चाहते हैं या एग्जिस्टिंग शीट पर, तो देखिए अलग शीट पे चाहते हैं या एग्जिस्टिंग शीट पर, यानी इसी शीट पर ये पिवोट टेबल चाहते हैं, तो हम फिलहाल न्यू वर्कशीट लेंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जिस्टिंग लेना है तो इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम न्यू लेंगे। तो न्यू को चूज करके आपको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आती हुई दिखाई देंगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो देखिए चार सेक्शन आपको दिखाई देंगे, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, रोल नंबर को ड्रैग करके लाके यहाँ रख देते हैं। तो ये आ गया रोल नंबर। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा रोल नंबर। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ इसको बताता हूँ। देखिए जैसे ही यहाँ पर रोल नंबर लेके आएंगे ना, तो अब हमें क्या करना है, अब इस पे टिक करना है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे ही नेम ऑफ स्टूडेंट पे टिक किया तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया। तो भाई इसका क्या फायदा हुआ, तो इसका फायदा ये है कि यहाँ पर जाकर के जिसका भी रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे केवल उसी स्टूडेंट का नाम आएगा। तो देखिए यहाँ रोल नंबर 4 किसका है, लोकेश का है। तो आइए सीट नंबर 1 पे चेक करते हैं और रोल नंबर 4 लोकेश का है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये रोल नंबर 4 वाले का डिटेल है और यहाँ पे रोल नंबर 4 बिल्कुल लोकेश का ही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम सब्जेक्ट 1 लेते हैं, 1 ले लिया, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं और 5 लेते हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट की डिटेल हमने ले ली है। अब ये किसके सब्जेक्ट की डिटेल है, तो लोकेश के सब्जेक्ट की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 सबके मार्क्स आपको दिखाई पड़ेंगे, लोकेश के ही केवल दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ से चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए रोल नंबर 6 कर दिया आपने, ओके कर दिया, तो केवल अमित का दिखाई पड़ेगा। फिर अगर यहाँ से चेंज कर दिया, रोल नंबर 9 कर दिया और ओके कर दिया, तो यहाँ केवल भोलू का दिखाई देगा। इस तरीके से पिवोट टेबल काफी हेल्पफुल है हमारे लिए, देख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको टोटल भी देखना है तो यहाँ टोटल पे भी टिक कर दीजिए। मान लीजिए एवरेज भी देखना है तो एवरेज पे भी टिक कर सकते हैं, और मान लीजिए कि ग्रेड भी देखना है तो ग्रेड पे भी टिक कर सकते हैं। आप जिसका भी यहाँ से चूज करेंगे उसका सब कुछ, यानी एक एक चीज जो है एक ही स्टूडेंट का दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं युवराज, इनका कौन सा ग्रेड है, डी ग्रेड है, और 50 मार्क्स है सब्जेक्ट 1 में, सब्जेक्ट 2 में 96 है, सब्जेक्ट 3 में 9 है, सब्जेक्ट 4 में 32 है, सब्जेक्ट 5 में 85 है, कुल मिला के 272 मार्क्स है, 272। चेक करते हैं एक बार, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे चेक करेंगे युवराज की। तो देखिए ये युवराज हैं और इसको मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये युवराज का डेटा है और ये देखिए यहाँ पे डी ग्रेड है और कुल 272 नंबर है, डी ग्रेड है। तो सब कुछ वही चीज दिखाई पड़ रही है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये वाला पिवोट टेबल हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पे कहीं भी क्लिक करके फिर वापिस से पिवोट टेबल क्रिएट कराना है। तो यहाँ पे पिवोट टेबल पे आए, क्लिक किया और यहाँ से जाके इस पे क्लिक कर दिया। अब हम चाहते हैं ना कि नेम के बेस पे आए, तो यहाँ से नेम ऑफ स्टूडेंट को उठाइए और रिपोर्ट फिल्टर में लाके रख दीजिए। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो स्टूडेंट के नेम ही आएंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि जिसका भी, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट मान लीजिए कि नेम ऑफ स्टूडेंट है, हम उनका टोटल मार्क्स, एवरेज और ग्रेड ही देखना चाहते हैं। तो देखिए अब यहाँ से जिसका भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए अमित का आपने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पर अमित फेल है, ठीक है, और इनका टोटल मार्क्स है 226 और 45.2%, यानी 45.2% है नंबर। ठीक है, यहाँ से अगर आते हैं और यहाँ से लोकेश कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पास है, डी ग्रेड है, मार्क्स कितना है 259 है और 51.8% है। तो जिसका भी आप एनालिसिस करना चाहेंगे डेटा का, काफी आसानी के साथ एनालिसिस भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी ट्यूटोरियल, पूरी वीडियो समझ में आई होगी आपको। कल भी मैंने इस पे वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल पिवोट टेबल की मैंने बता दी है, पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करना है, क्या फायदे हैं इसके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।